नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है और आप दोनों डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक ही फाइल में जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि दो PDF को आप मर्ज करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे बिना किसी ऐप के और अपने मोबाइल के माध्यम से। दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आपके फोन में एक ऐप होता है और ये ऐप सभी के फोन में होता है, गूगल ड्राइव। आप अपने फोन में खोज लीजिएगा गूगल ड्राइव कहाँ पे है। यहाँ पे मेरे फोन में ये गूगल ड्राइव है, मैं इसे ओपन करता हूँ। और गूगल ड्राइव ओपन हो जाने के बाद दो PDF को मर्ज करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस प्लस वाले आइकॉन पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कैन का, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा स्कैन पे। तो यहाँ पे ये बुक है और इसका मैं यहाँ पे फोटो क्लिक कर ले रहा हूँ। और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे स्टिक मार्क पे। अब दोस्तों यहाँ पे ये नीचे के साइड में कट गया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसका कॉर्नर सेट कर लीजिएगा यहाँ से, और इसके बाद ये कॉर्नर यहाँ पे निकला हुआ है तो आप इसे यहाँ से सेट कर लीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों आप चारों कॉर्नर को पहले सेट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डन पे। तो दोस्तों ये एक पेज का PDF कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसमें और भी PDF को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस प्लस वाले आइकॉन पे यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को फोटो ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसका ये फोटो क्लिक हो गया। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा उसी तरह से स्टिक मार्क पे, और दोस्तों यहाँ पे आपको फिर उसी तरह से स्क्रोप वाले आइकॉन पे क्लिक करना होगा और इसका आप यहाँ से कॉर्नर को सेट कर लीजिएगा। चारों कॉर्नर को आप मिला लीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 2x2 लिख रहा है। अगर आप इसमें एक पेज को हटाना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी कलर सेचुरेशन ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेव पे यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का नेम दे रहा हूँ न्यू डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने गूगल ड्राइव की फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसे किस फाइल में रखना चाहते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा सेव पे। तो यहाँ पे मैं इस फाइल में रखा था और इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये है न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ पे लिख रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अब ये डॉक्यूमेंट आपका गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट है और ये अपलोड हो चुका है गूगल ड्राइव पे। तो इसे हम ओपन करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा दो PDF मर्ज हो चुका है कितना अच्छा से। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप इसे शेयर किसी को करना चाहें, अपने दोस्त या फिर फ्रेंड को, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा शेयर ए कॉपी पे, और अपने व्हाट्सएप या फिर ब्लूटूथ के जरिए आप किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो ये अब आपका डॉक्यूमेंट फाइल मैनेजर में डाउनलोड होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है। चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में, हम यहाँ से यहाँ पे हम कट करते हैं और आते हैं अपने फाइल मैनेजर में। तो दोस्तों यहाँ पे फाइल मैनेजर में मैं अपने डाउनलोड वाला फोल्डर में आता हूँ, तो यहाँ पे ये है न्यू डॉक्यूमेंट, इसे मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए दो डॉक्यूमेंट मर्ज होके एक हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने दो PDF फाइल को मर्ज करके एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।